देखिए ये जो जगह है इसका नाम है गमगी फाई। ये कांकोपी और वेस्ट इम्फाल का बॉर्डर है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर चेक नाका लगा हुआ है। यहाँ पर CRPF, असम राइफल, मणिपुर पुलिस के कमांडोस सब लोग मिल करके इस नाके पर रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड आदमी, अनऑथराइज्ड प्रोडक्ट, कोई भी इसको क्रॉस ना कर सके और पब्लिक में शांति रहे। मेरे पीछे वाली रोड जो है ये नागालैंड और आसाम जाती है, आगे वेस्ट इम्फाल यानी कि इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में जाती है। इस जगह का नाम फिर से बता दूँ, गमगी फाई नाका है। यहाँ CRPF भी रहती है, असम राइफल भी रहती है, मणिपुर पुलिस के कमांडोस भी रहते हैं, एंड ऑल आर टुगेदर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। बाकी गाड़ियों की आवाजाही आप देख ही रहे हैं, यू आर सीइंग द स्माइलिंग फेसेस, तो आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। सिचुएशन इज़ फुल्ली अंडर कंट्रोल। कहीं कहीं पर जो आप CRPF कैंप पे हमले की बात कर रहे हैं, दैट वाज अ फ्रिंज एरिया, जो आउटस्कर्ट्स एरिया हैं वहाँ पर छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, जिसको हमारी फोर्सेस टैकल भी कर रही है और स्ट्रांगली जो है मिसक्रिएंट्स को जवाब भी दे रही है। जो भी मिसक्रिएंट्स हैं उनको जवाब दिया जा रहा है स्ट्रांगली। नहीं, मेरे एरिया में कोई ऐसा नहीं है। मेरे IMDIG कांकोपी देयर हैज बीन नथिंग यस्टरडे, तो वी आर जस्ट होल्डिंग द सिचुएशन, एंड एनी अनलॉफुल पर्सन, मिसक्रिएंट इज लूजिंग द ग्राउंड नाउ स्लोली एंड स्लोली। नहीं, कोई रेड जोन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है। दिस इज कांकोपी डिस्ट्रिक्ट, दैट इज वेस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट। ऐसा कोई रेड जोन नहीं है। नहीं, वो कोई थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है और इधर उधर लोग आने जाने में कतराते हैं एक दूसरे के एरियाज में, लेकिन वो धीरे धीरे आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस साइड में कुकीज़ है, उस साइड में मतीज़ है, बट अभी जैसे जैसे पीस प्रोसेस आता जाएगा सब मिक्सिंग अप होती जाएगी, एंड अगेन देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी। देखिए, मैं आपको फोर्स की आइडेंटिटी नहीं बता सकता कि कौन सी बटालियन है, कौन सी कंपनी है, वो दैट इज बियॉन्ड द लिमिट्स, लेकिन हाँ ये बता सकता हूँ यहाँ पर CRPF, असम राइफल और मणिपुर पुलिस सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं। 24/7 दे आर देयर और सक्सेसफुली यहाँ पर काम कर रहे हैं। अभी तक पिछले 1.5 साल में यहाँ पर एक छोटी सी घटना भी इस जगह पर नहीं हुई है। आ रहा है धीरे धीरे, सब ठीक हो रहा है। वैली चूंकि मेरे एरिया में नहीं, मैं नहीं बात करूंगा उसकी, लेकिन धीरे 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 सब आ रहा है कंट्रोल में, और आप देखिएगा बहुत जल्दी, मैंने आपको प्रॉमिस किया ना, बहुत जल्दी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। वो आजकल होता है, आप जानते हैं ये व्हाट्सएप वगैरह और इससे रूमर्स फैलते रहते हैं, बट गवर्नमेंट हैज गॉट इट्स ओन मेजर्स टू कंट्रोल। नहीं, कड़ा हस्तक्षेप नहीं, रूमर्स फैलने से रोकने के लिए किया गया, बहुत कड़ा हस्तक्षेप नहीं कहा जाएगा इसको। इंटरनेट बंद होना ठीक है, रूमर्स फैलने से रोकते हैं, दैट इज गुड मैसेज पूरी फोर्सेस के लिए कि वी आर ऑन द ग्राउंड, वी आर होल्डिंग इट, और सारे देश की जनता से यही कि प्रॉस्पेरिटी एंड पीस इज अगेन कमिंग बैक वेरी सून, सो बी हैप्पी, दैट्स ऑल। चैलेंज होता ही है, हम लोग वर्दी पहनते चैलेंजेस के लिए ही है, लेकिन चैलेंजेस सॉर्ट आउट होते हैं। कश्मीर के हो गए हैं, पंजाब के हो गए हैं, छत्तीसगढ़ हो गए हैं, ये भी हो जाएगा।